हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अब से आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, लर्निंग ऐप के लिए पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो भी आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन से रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो क्या क्या इनका लेवल हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम वन बाय वन वीडियोस में देखेंगे। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की आगे भी आपको एक दो वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन में, आई नो ये लास्ट मोमेंट पे है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जो लास्ट मिनट की प्रिपरेशन होती है वो बहुत काम की होती है, ठीक है। कभी कभी जो लास्ट मिनट में ही हम पढ़ते हैं ना, वो सेम एज इट हमें एग्जाम में मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स, देखिए ये आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। देन एफ ऑफ डैश पाई बाय फोर इज, यहां समझ में आ जाएगा आपको, अगर डैश लिखा है दिस इज द सिंबल ऑफ द डेरिवेटिव, दैट मींस हमने इस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव करना है और पाई बाय फोर वैल्यू फिल करके क्या उसका आंसर आएगा वो हमने बताना है, ठीक है। ऑप्शंस नहीं लिखी, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे x, 2x, 4x, 8x, 16x ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपको ऐसी एक रिजल्ट बताना चाहूँगी, एक सीरीज, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर आपके पास cos x, cos 2x, cos 2 raise to power, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 लगा सकते हो, 2x as on 2 की पावर्स में cos 2 raise to power n minus 1 x ऐसे आ जाता है। सीरीज हमारी मल्टीपल में है, cos की टर्म में है और 2 raise to power n minus 1 की फॉर्म में है, n minus 1 की फॉर्म में अपने बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 raise to power 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 raise to power 0 तो n minus 1, हो सकता है आपका 2 raise to power 1 से स्टार्ट हो जाए तो टर्म्स यहाँ पे 2 raise to power n तक आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस सीरीज का क्या हमारे पास आंसर होता है, ये साइन साइन 2 रेज टू पावर n, यहाँ पे n माइनस 1 यहाँ पे n आएगा, n x डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर n इंटू साइन x, तो ये आपके पास क्या आएगा इस सीरीज का, ये हम बोलते हैं रिजल्ट आएगा। इसी रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेंगे। इस सीरीज को ध्यान में रखना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2 के स्पेस पे 3, 4 कैसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 रेज टू पावर 1, यहाँ पे 4 है, 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, दैट मीन्स इसके बाद इन्होंने स्टॉप की हुई है, 2 रेज टू पावर 4 तक हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 4 को यहाँ पे कंपेयर करूँ क्योंकि 0 से ही स्टार्ट था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 प्लस करके ही आ रही है, अगर 4 है तो n कितना आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 4 को चाहे आप देख लो 5 माइनस 1 लिखोगे तब भी 4 बनेगा, अदरवाइज आप ये देख सकते हो कि जो यहाँ पे उसमें एक प्लस कर दोगे तो आपका n आ रहा है। तो दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन रेस टू पावर 2n, n कितनी अभी आई मैंने बताया 5, 2 रेस टू पावर, चलो एक बार मैं लिख देती हूं, 2 रेस टू पावर 5 साइन x। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 रेस टू पावर 5 को डायरेक्ट 32 लिख देते, इसे भी 32 लिख देते, अब ये तो 32 है, आगे आ गया कॉन्स्टेंट टर्म, साइन 32x डिवाइड बाय साइन x, इट्स इजी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन अब बिल्कुल इजी आ गया। अब क्या कर लीजिए इसका डिफरेंशिएबल और पाई बाय टू वैल्यू फिल कीजिए, यू गेट द आंसर, इजी था ना। सिर्फ ये सीरीज अगर आपके माइंड में है तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, एफ ऑफ डैश एक्स क्या चलेगा अब हमारा, 1/32 सेम एज इट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये डिनोमिनेटर में है, दैट इज हम इसको क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम एज इट, अगर इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो कोस 32x और थीटा का करोगे तो 32 आएगा, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ आगे लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, फिर हम साइन 32x सेम,
साइन एक्स का करेंगे जो डिनोमिनेटर में था विच इज अब कोस एक्स, यही आएगा ठीक है। अब एक्स के स्पेस में हमने क्या फिल करना है जी, पाई बाय फोर। अब मैं पाई बाय फोर यहीं पे फिल करूंगी ठीक है, दैट्स बाय आपका स्टेप बी से वो वीडियो बीच बीच में लाइट हो जाती है, थोड़ा चेक करना पड़ता है। अब देखिए पाई बाय फोर है, अगर यहां पे मैं पाई बाय फोर फिल कर देती हूं, यहां पे मैं पाई बाय फोर फिल कर देती हूं, तो फोर से कट करके कितना आ जाएगा ये एट पाई ठीक है ना, यहां पे आ जाएगा एट एट पाई ठीक है। इन द सेम वे यहां पे भी एट पाई और यहां पे पाई बाय फोर, यही आएगा आपके पास, देख सकते हो आप मैंने डायरेक्ट फिल किया है। अब चलते हैं, जस्ट एक लाइन का आंसर रह गया अभी आपका, 1/32 आ गया आया ठीक है। अब देखिए 32 था ये आगे, साइन पाई बाय फोर कोस एट पाई, कोस एट पाई की वैल्यू क्या आएगी, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन रेस टू पावर एन, तो यहाँ पे एट है तो माइनस वन रेस टू पावर एट जो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, वन आ गई। और साइन पाई बाय फोर 1/√2, तो 32 इंटू 1/√2 ठीक है, यहां पे भी पाई बाय फोर कर दूंगी मैं। अब यहां पे आया साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या होता है जीरो, दैट मीन ये वाली टर्म्स तो क्या हो गया आपकी जीरो, तो सिर्फ आगे वाली टर्म से आपका ये रिजल्ट आया, डिवाइड बाय ये साइन स्क्वेयर था, ये भी कितना आएगा 1/√2, लेकिन स्क्वेयर है तो कितना बन गया ये 1/2, तो अगर आप इसको ऑपोजिट करोगे 2/1 आ गया ठीक है। हो गई कैलकुलेशन, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, जब आप इसको कट करोगे तो ये इसको आप √2 √2 लिख सकते हो, ये कैंसिल हो गया, तो √2 आपका क्या आया आंसर आया, देखिए कितना सिंपल सा आंसर आया आपका √2 ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस प्रोडक्ट वाली सीरीज को मैंने जो इसका रिजल्ट था उसमें कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। यहां तक वैल्यू कहीं भी जा सकती है, तो आप ध्यान में रखना कि कैसे आपने क्वेश्चंस करना है ठीक है। वन और टू एक्स भी आ जाता तो भी आप कर लोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब मैंने एक क्वेश्चन और पिक किया है, देखिए इसकी स्टेटमेंट और मैं बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट क्यों पिक किया है मैंने। क्या लिखा है, इफ एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर, देन हमने डी वाई पॉइंट डी एक्स फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू वन इज। अब इस क्वेश्चन को पिक करने का क्या मेरा मोटिव था, है ना, है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम में से मैं बोलती हूँ 50-60% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इवन कि 70% स्टूडेंट्स भी बोल सकती हूँ मैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ना हमें थोड़ी जल्दबाजी रहती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ डैश एक्स है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे पहले भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालेंगे, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तभी हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा, फिर हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन को यहां पे फिल करेंगे, एक्स स्पेस पे एक्स स्क्वायर फिल कर देंगे तो हमारा वाई आएगा, तब जाके डी वाई पॉइंट डी एक्स निकलेगा। इतना लेंथी क्वेश्चन है, छोड़ो हमारे पास टाइम नहीं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना, हम यही माइंड में लेके चलते हैं, तो ऐसे नहीं करना। जो मेथड अभी आपके माइंड में जो मैंने बताया, नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में वही मेथड आता है, तो वैसे नहीं करना। कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए, कैसे आप शुरू करोगे, है आपके पास एफ ऑफ डैश एक्स, ये भी तो देखो, आपने डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालना है, अगर आप डी वाई पॉइंट डी एक्स निकालोगे तो यहाँ पे जो एफ ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ, तो इसका भी डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव बन जाएगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, होगा ना इजी, देखिए कैसे होगा। देखिए मैंने वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन ही पिक किया, अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएबल कर रही हूँ, अगर डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आया, यहाँ पे एफ ऑफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स आया, पहले मैंने फंक्शन का किया विच इज अ एफ ऑफ डैश एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर मैंने थीटा का किया दैट इज अ टू एक्स ओके। अब देखिए बहुत ईजी हो गया, एफ ऑफ डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो कर दे फिल यहाँ पे
टू एक्स के स्पेस पे एक्स स्क्वायर फिल हो जाएगा, एक्स फोर आ गया माइनस वन इंटू टू एक्स। अब किस पे चेक करना है हमने, वन पे, वन फिल कर दीजिए, हो गया ना। जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन, तो x के स्पेस पे जब भी आप 1 फिल करोगे तो 2 माइनस 1, क्योंकि 1 पावर 4 वो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1 ये तो 1 आ गया इंटू 2, तो 2 आपका क्या आ गया आंसर। इट्स इजी, यस वेरी इजी। तो ऐसे आप थोड़ा वर्क कीजिए, अपने आप पे थोड़ा वर्क कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस को देख के एकदम मत स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझे कि हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्ट सही हो गया तो क्वेश्चन एक मिनट में निकलेगा, अगर आपका स्टार्ट का पर्पस गलत हो गया, निकल तो वैसे जाएगा लेकिन वो लेंथ ही जाएगा जो आप छोड़ दोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कीजिए। आई नो ये वाला क्वेश्चन आप में से हाफ तकरीबन सभी स्टूडेंट्स को आता होगा जिनने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है ना। लेकिन क्यों पिक किए ये क्वेश्चन, क्योंकि जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन तो हमने लेने ही लेने हैं, ठीक है ना, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, तो ओल्ड टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपके पास, y रेस्ट टू पावर 1 बाय m इज इक्वल टू दिस, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, इस टाइप की इक्वेशंस बहुत आती हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आती हैं, फंक्शंस कुछ भी हो सकता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमने ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शंस मैंने लिखी हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है, अगर मैं ये 1 बाई एम को उस तरफ लेके जाऊंगी तो मेरा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एम बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हम यही करते हैं, जो भी है उसको उस तरफ लेके जाना। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, स्केयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, स्केयरिंग। जस्ट स्टेप स्किप करना थोड़ा सा बताऊंगी, स्टेप स्किप करना बताऊंगी। अगर स्केयरिंग करेंगे, सॉरी स्केयरिंग बोल रही हूँ, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे y1 बनेगा, मैं y1 की फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे y1 y2 की फॉर्म में लिखे हुए हैं। y1 बनेगा m पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आता है 1, और इसका डिफरेंशिएट करोगे कितना आता है 1 बाय 2 अंडर रूट दिस इंटू 2x। एक बार चलो लिख देती हूँ क्योंकि ना अगर मैं बात में बताऊंगी तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में ना आए, लेकिन आप ये जो स्टेप लिख रही हूँ इसको माइंड में कर सकते हो कि आपने इसको 1 किया प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करोगे कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लोगे, है ना, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर m माइनस 1 था, ये मल्टीपल में साथ में है तो ये पावर्स क्या हो गई 1 हो गई, 1 हो गई। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे दैट मीन्स मेरा y1 क्या आ रहा है अब m, ठीक है, x प्लस अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर m, क्योंकि ये माइनस 1 थी और ये 1 दोनों आपस में ऐड हो गई, ये दोनों कैंसिल होकर m रह गया और ये क्या आ गया मेरा डिवाइड में, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मैं इसे y2 y1 चाहिए मुझे, सिर्फ ये वाला स्टेप रेज कर रही हूं मैं, सॉरी बाहर से थोड़ा ज्यादा शोर आ जाता है, y1 हो गया ना। अब देखिए y2 चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडरूट आया है, है ना, अंडरूट आया है। अगर मैं स्केयरिंग भी कर दूं बहुत साइड, स्केयरिंग कर दूं बहुत साइड, तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर स्केयरिंग करती हूं तो y1 स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर ये उस तरफ चला गया इज इक्वल टू ये क्या आएगा m स्क्वायर x प्लस अंडरूट 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 2m। अब ये जो x प्लस 1 बाय x स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या थी, y रेज टू पावर 1 बाय m थी, y रेस्ट टू पावर 1 बाय m। अब अगर यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूँ y रेस्ट टू पावर 1 बाय m, तो m के साथ m कैंसिल, क्या रह गया मेरे पास y2, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। बस अब एक बार और डिफरेंशिएट परफॉर्म कीजिए आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि वहाँ पे y2 की फॉर्म में लिखा हुआ है।
ठीक है। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम एज इट, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2y1 y2 यही आएगा, पावर आगे y1 का करोगे y2 प्लस y1 स्क्वायर सेम एज इट, इसका डिफरेंशिएट करोगे 2x आ गया आपके पास, इज इक्वल टू m स्क्वायर सेम एज इट 2y y1 यही आएगा। अब हो गया, सबकी तरफ क्या पड़ा है जी, 2 और y1, 2 और 2 कैंसल, y1 एक y1 और एक y1 कैंसल। अब देखिए कंपेयर कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 आ गया, प्लस x y1 आ गया, इज इक्वल टू किसके आया वो m स्क्वायर yk, तो m स्क्वायर y ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो गई, करेक्ट आंसर होगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन ऐसे क्वेश्चन जो इस इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।